अब चलो। तो ये आप कचौड़ी देख लो भाई, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है मेरे को ये, एकदम बढ़िया मस्त लग रही है दाल बनी हुई। और यार महक, तो लास्ट टाइम हमने नॉनवेज बनाया था जो आकाश और पापा के फ्रेंड्स के साथ था। मैं और मम्मी तो कंप्लीट वेजिटेरियन है, हम लोग तो एग्स भी नहीं खाते, बट इस बार हम लाए हैं सब वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ स्पेशल, हमारी दाल कचौड़ी और आलू की सब्जी। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी कि पहले आप कैसे इसका मसाला बनाओगे और फिर हम कैसे कर। तो गाइस पहले इसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। ये मूंग की दाल धुली हुई है बिना छिलके वाली, इसको मैंने सुबह भिगो दिया था करीब 4 से 5 घंटे के लिए। इसके अलावा हमें सूखी मिर्च चाहिए और सूखा धनिया चाहिए, ये 2 चम्मच है, और 3 मैंने मिर्चें ली हैं, करीब 1 चम्मच मैंने रेड चिली ली है, करीब 1/2 चम्मच मैंने मेथी लिया है, और करीब 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। ये आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। और दाल को अकोरने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। क्या करेंगे हम इन सारे पहले सबसे पहले हम अपनी दाल को पीसेंगे। दाल का आपको पेस्ट नहीं बनाना है, रिमेम्बर वन थिंग, आपको दाल को दरदरा पीसना है क्योंकि ये कचौड़ियों के अंदर भरी जाएगी। दरदरा इन द सेंस बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा मोटा मोटा। सो लेट्स गो। शी मींस दानेदार ग्रैनुलर। दाल मैंने जार के अंदर डाली है, अब जस्ट मुझे इसे पीसना है, ठीक है? तो मैं इसको पीस लेती हूँ और मैं इसको ज्यादा देर नहीं चलाऊंगी क्योंकि मुझे इसे दरदरा रखना है। देख रहे हो गाइस, इसको मैंने बिल्कुल भी पेस्ट जैसा नहीं बनाया है, दाल बिल्कुल मोटी मोटी है। देखो आप, मैं आपको उंगली पे भी दिखा रही हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको पीसना है। तो अभी मैं जो हमारे खड़े मसाले थे उनको मैं वन बाय वन करके इसके अंदर डालूंगी, ठीक है गाइस? मिर्च और जो ये जो मिर्च और नमक है ना, ये आप पीसोगे नहीं, ठीक है? ये आप जब कढ़ाई में दाल को फ्राई कर रहे होगे ये तब आप ऊपर से डालना। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी मदर तो इसे पीस देती है बट मैं इसे ऊपर से ही यूज करूंगी। पीसे पिसाए को क्या पीसे? हाँ करेक्ट। देखो गाइस मसाला भी हमारा बहुत सही पिस गया है। इसको भी आप जैसे देख रहे हैं, बोलिए बताना कि अच्छे से नहीं पीसा गया है इसमें थोड़ा। हाँ ये भी मैंने मुझे भी आ रही छींक आने लग जाती है भाई, मुंह पे ना मास्क पहन लेना जब आप मसाला पीस लोगे तो, क्योंकि कोल माइनिंग कर रहे हैं। अरे डाल दो। तो अभी हमने इसके अंदर जो मैंने ऑयल गरम करा था, तेल हमारा गरम हो गया था, उसमें मैंने सारी दाल डाल दी है। ऐसे चिपकने लगेगी तो प्लीज इसे चलाते रहिएगा। सभी को पता है जब आप दाल उबालते हो कढ़ाई में भूनते हो तो वो चिपकती ही है। देखो जब आप इसमें दाल करोगे ना तो उसको ना अकोरना थोड़े ज्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि कई जैसे मेरे साथ हुआ, मैं अपना कंसेप्ट सेम बताती हूँ। मेरी दाल मैंने अकोरी और वो मैंने ढंग से नहीं अकोरी थी, मैंने वो ऐसी निकाल ली थी, तो वो मेरी कचौड़ी में भरने लायक नहीं थी क्योंकि कचौड़ी में तो भुरभुरी दाल भरी जाती है, और उसमें ही प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे वो दाल दोबारा से अकोरनी पड़ी और अब मेरी दाल बिल्कुल सेट हो गई। तो करीब आपको 45 to 1/2 घंटा इसको ऐसे ही अकोरना पड़ेगा, अगर स्टिल भूनना पड़ेगा। तो अब हम हमारी जो कचौड़ियों का जो आटा है वो गूंथने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसमें मैंने 2 कप मैदा लिए, ठीक है, 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, नमक स्वाद अनुसार जैसा आप लोग खाना चाहें,
और इसके अलावा मैंने लिया है गर्म पानी। गर्म पानी मैंने इसलिए लिया है, ठंडे पानी से जब आप मैदा गूंथते हो तो वो सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, इसीलिए हम इसे गर्म पानी से गूंथेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस पहले क्या करेंगे, हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद आपने मोयन सुना होगा, देसी घी डालकर करते हैं, तो पहले हम इसमें देसी घी डाल के मोयन करेंगे जिससे कि आटे की ग्रिप बनने लगे। जब आटे की ग्रिप बनना शुरू हो जाएगी तब आप समझ लेना अब आटा तैयार है, फिर थोड़ा थोड़ा बाइंड होने लगे जब, तो तब फिर आप समझ जाना कि अब आटा हमारा बाइंड हो रहा है, ऑयल ढंग से मैदा ने पी लिया है। तो उसके बाद आप शुरू करना। सॉफ्टनेस देखो आप आटे की, ठीक है ना, गर्म पानी से हमने गूंथ लिया है। थोड़ी देर आप इस आटे को गीले कपड़े से ढक के रख देना, ये वाला स्टेप जरूर कर लेना जिससे कि आटे के बीच की गांठें जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। बस कुछ नहीं करना, फिर आप इस आटे को इस तरीके से करके गीले कपड़े से आटे की अभी मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ कचौड़ियाँ तलने के लिए, जिससे कि तेल सही टाइम पर गर्म हो जाए। तो गाइस जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं अपनी जो कचौड़ियों की जो लोई है मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। इसमें हल्का सा आप तेल लगा लेना भाई, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। कैसे करोगे आप इसको, इस तरीके से आप खोलोगे ऐसे, नहीं भरी जाएंगी वो तो मैं भर रही हूँ बस। उसके बाद ऐसे करके आप थोड़ी सी वो भर लो, दिखा देती हूँ। ये देखो आई ना एकदम इससे ऊपर, इट मींस गरम हो गया। गैस रहेगी मंदी, हमेशा याद रखिएगा गैस तेज करके आलू की कचौड़ी की तरह, किसी और कचौड़ी की तरह आप प्लीज इसको मत करिएगा। गैस हमेशा मीडियम रहेगी, मीडियम गैस पे ही ये कचौड़ी पकती है। तैयार फाइनली आफ्टर 4 आवर्स हमारी कचौड़ी तैयार हो गई। ये रही मेरी कचौड़ी, ये रही मेरी आलू की सब्जी, और बस अब हम फटाफट से इसको खाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला भूख लगेगा पापा को, तो पापा के पास लेके चलते हैं, रिव्यू लेते हैं। यस पापा के ठुमके लग रहे हैं, क्या हो गए तड़का मटक रहा, उधर को देखो अच्छी बनाई, कहते वेरी नाइस।